खबर नुआपाड़ा से है, जहां जिला आदिवासी कल्याण संघ ने संगठन के अध्यक्ष तथा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष घासीराम मांझी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नुआपाड़ा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। रविवार को संघ द्वारा गोड़फूला में एक साधारण सभा का आयोजन किया गया था। बैठक में चर्चा के बाद पत्रकार वार्ता कर घासीराम मांझी को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद एकता चौक पहुंचकर पूर्व मंत्री तथा दिवंगत आदिवासी नेता घासीराम मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। भानु प्रताप सिंह मांझी जिला आदिवासी कल्याण संघ का संरक्षक, आज जिला आदिवासी कल्याण संघ एक ऐतिहासिक पदक्षेप लिया है, जो कि आदिवासी लोगों को अनदेखा किया जाता है। इसलिए आज दोनों विधानसभा में कोई भी आदिवासी को कोई नेशनल पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो इसलिए आदिवासी के अंदर में कोह पैदा हुआ और आज एक निष्पत्ति हुआ कि सर्वसम्मति क्रमे जो नौ प्रकार का जो यहाँ जनजाति जो रहते हैं नयापुरा में, उनका सभी का सहमति में हमारा घासीराम मांझी को स्वाधीन कैंडिडेट रूप में हम लोग मैदान में उतारेंगे 2024 साधारण निर्वाचन में, एवं तन धन मन दे के उसको लड़ाई करके हम लोग विधानसभा भेजेंगे। इसमें कोई दुमत का बात नहीं है। हम सब आज नयापुरा जिला का आदिवासी संघ सब एक हैं, एक होकर लड़ेंगे और विजय का बाना सारा देश देखेगा ये नयापुरा जिला से। जय हिंद, जय आदिवासी। चलते आज आदिवासी कल्याण संघ संगठन है जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ, सब ने बैठ करके एक निर्णय लिया कि घासीराम मांझी को निर्दलीय उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि आने वाला भविष्य के लिए भी राजनीति अधिकार को छीना जा रहा है, क्योंकि नयापुरा जिला में देखा गया है कांग्रेस से उच्च वर्ग दिया गया और बीजेडी से भी उच्च वर्ग दिया गया, बीजेपी से भी उच्च वर्ग दिया गया। स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, जो मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा पावरफुल होता है राजनीतिक शक्ति, उस शक्ति से अधिकार को यदि छीन ले जाता है तो निश्चित तौर से आदमी का जो सोचते हैं कि भाई हम आदिवासी के लिए करेंगे और दूसरे के लिए करेंगे, ओबीसी करेंगे, दलित करेंगे, महिला करेंगे, बड़े बड़े नारा लगाते हैं, परंतु जब तक आदिवासी का कोई आदमी, पिछड़े वर्ग का आदमी उस पद अधिकार सीट पर नहीं बैठेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही कठिनाई है। इसलिए वहाँ पर ड्राइविंग सीट में एक आदमी, योग्य आदमी चाहिए। इसी के लिए महसूस करते हुए मेरे आदिवासी समाज के जितने सारे लोग हैं, साथ में ओबीसी के लोग हैं, साथ में एससी श्रेणी के लोग हैं, उसके बाद मेरे साथ एक पार्टी में रहा, मैं पार्टी में विभिन्न ऑफिस बेरा रहा, ऑफिस बेरा लोग भी मेरे साथ प्रोत्साहन दिए। 75% मेरे कार्यकर्ता जो युवा पीढ़ी हैं और सब मिडिल एज के हैं, उन्होंने बोला कि सर आपको खड़ा होना चाहिए क्योंकि आपका ये लास्ट चुनाव है, उसके बाद आपको हम विधायक को देखना चाहते हैं। और मैंने ही सोचा था कि इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मन बना लिया। इसके चलते सभी ने विचार किया कि नहीं, घासीराम मांझी इतना मेहनत किया है, किसान के लिए मेहनत किया है, शिक्षा का मेहनत किया है, भ्रष्टाचार की मेहनत किया है, पार्टी को भी नयापुरा जिला में एक मजबूत करने के लिए मेहनत किया है, हॉस्पिटल मैटर मेहनत किया, मतलब इंस्टॉल किया है, तो ऐसे आदमी को देना चाहिए बोलकर महसूस करके मुझे आज कैंडिडेट बनाए हैं नयापुरा विधानसभा। नुआपाड़ा से रितेश राठौड़ की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।